राम राम जी, सत श्री अकाल। सभी भाइयों को, सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहलू डेयरी फार्म सिधाणी में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज भाई बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के आएंगे और सुबह के लगभग भाई 5:15 का टाइम हो गया। अब चलते हैं यहाँ से जाएंगे भाई सुखवीर भाई के पास लेताणी, और वहाँ से दुष्यंत और दुर्गेश को लेके राजस्थान में जाएंगे। आगे दिखाते रहेंगे आपको भाई छोटी छोटी क्लिप। तो लो जी, कर दी तैयारी भाई कुछ प्रीत की, जो भी सामान था इसका। बाकी सामान तो मेन तो वहीं पड़े भाई, जो थोड़ा मोटा सामान था वो ले आया था। कापी किताबें हो गई, कुछ कपड़े थे भाई, और भाई लगभग 40 दिन हो गए थे खुशप्रीत को आए भाई एक बारी। तो फिर परिवार के मन में भी फील सा आवे, बच्चा जब जावे और बच्चे के मन में भी आवे भाई, इसलिए जो सारा परिवार था भाई वो बाहर ही खड़ा था। और खुशप्रीत को गाड़ी में चढ़ा के भी चल पड़े, और जो अपना रास्ता वैसे तो ढूंढने साइड को भी जावे और बुना साइड को भी जावे भाई, लेकिन जो एक बीच को रास्ता जावे भवान बोस्ती दारसूल से शॉर्टकट रास्ता है भाई, बिल्कुल पास में पड़ा है। और जो टवाणी वाला रास्ता है, टवाणे से अपना सूर्य वाले चौक लग बिल्कुल ही ख़राब हो रखे है भाई, इसलिए जो बीच वाला रास्ता है वो बढ़िया है। और ये भाई उकलाना से निकल के सूर्य वाला चौक आ गया, इधर से एक रास्ता टवाणे को जाता है, एक नरवाणे को, इसार और उकलाना, यहाँ चार रास्ते पड़ते हैं भाई, उसको सूर्य वाला चौक बोलते हैं। मेरे गाँव से भाई स्कूल है जो अपने फतेहपुर का लगभग भाई 300 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। और भाई सलाह जल्दी थी थोड़ी, फिर काम निपटाने में पशुओं के में थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट हो गया। वैसे तो 4 बजे चलने की सलाह थी, लेकिन ऐसे है भाई काम को निपटाया, इतने थोड़ा मोटा लेट हो गए। सोचा था भाई जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आके फिर अपना जो काम है भाई वो भी संभालना है। और ये आ गया भाई सुखवीर भाई के गाँव को जो रास्ता जाता है, लिताणी मोड़ बोलते हैं इसको, ये हिसार से जो अपना रोड आ रहा है इसके ऊपर ही है, सूर्य वाला चौक से लगभग भाई 1 किलोमीटर आगे जाके है। और आगे भाई आपको स्कूल की भी छोटी छोटी क्लिप हैं जो वो दिखाएंगे भाई। स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है भाई, पूरी देखभाल है उसमें, और खाने पीने का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है भाई। और आगे भाई बच्चों ने पढ़ना ना पढ़ना वो बच्चों की मर्ज़ी, बाकी सारी भाई पढ़ाई वगैरह भी 1 नंबर की है, गेम भी हैं, वो आपको आगे जो छोटी छोटी क्लिप बनाई हैं भाई वो आपको दिखाएंगे। लिताणी मोड़ से भाई बड़े रोड से सुखवीर भाई का लगभग 3-4 किलोमीटर पड़ जाता है, और यह हसनगढ़ रोड पे सुखवीर भाई का जो डेयरी फार्म है भाई वहाँ पर पहुँच गए। और अब बच्चों को बिठा के भाई दुष्यंत को और दुर्गेश को फिर यहाँ से चलेंगे भाई फतेहपुर के लिए। तो भाई चल पड़े लिताणी से, जो सामान था बच्चों का वो रख लिया भाई, दुष्यंत, दुर्गेश, खुशप्रीत, रामकेश और मैं भाई, 5 जाने गाड़ी में बैठ गए भाई। और 2-2 बैग सामान के हो गए थे बच्चों के भाई, कापी किताबें साथ ले आया मैं, क्योंकि स्कूल का जो काम है भाई वो करना पड़ा है, छुट्टियों काम दे इधर। और बाकी उधर तो जो पढ़ाई है भाई बहुत ही बढ़िया है, सुबह से लेके मतलब रात के 10 बजे लग पढ़ाई हो गई भाई, और खाने पीने का सिस्टम बहुत बढ़िया है। और ये भाई रोड के ऊपर ही है, जो सालासर को रोड जाता है उसके ऊपर ये स्कूल आ गया भाई, निमामत पब्लिक स्कूल, और ये स्कूल का मेन गेट है भाई। काफ़ी ज़मीन में स्कूल भाई, लगभग 20-25 किले में तो बिल्डिंग है, और बाकी जो बाहर खेल के ग्राउंड हैं और या फिर रेसिंग के हैं वो अलग से हैं, और सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई। अब अंदर जाते ही जैसे नाम नूम वगैरह सब भाई लिखवाने पड़ते हैं, और उसके बाद जो बच्चों के बैग की है जो चेकिंग वगैरह होती है, भी बच्चा कोई फ़ोन नहीं ले रहा हो और पैसे ना ले रहा हो, पैसे भी नहीं भाई अंदर जाने देते, क्योंकि जो भी सामान कि बच्चे को ज़रूरत होती है तो वहाँ से सारा सामान मिल जाता है भाई। ये देख सकते हो भाई एक एक बैग खोल के भाई सारे बैगों की है जो तलाशी ली गई है,
इसमें जो बच्चों की ज़रूरत के सामान के अलावा कोई और सामान तो नहीं है। तो यहाँ पे बैगों की और गाड़ी की चेकिंग थी, वो चेकिंग करवा ली भाई। और चेकिंग करवाने के बाद भाई पहुँच गए हॉस्टल में, पास में ही है भाई हॉस्टल और स्कूल, सारा थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है। और ये भाई काफ़ी दिन से कमरा बंद था, साफ़ सफाई तो मान ले वो जो वर्कर होते हैं वो करते ही हैं, तो उन्होंने जो अपनी अलमारी थी भाई उसमें सामान वगैरह रख लिया है। और उसके बाद भाई दुष्यंत के हॉस्टल में चले गए, दुष्यंत का जो सामान था वो अपना रख लिया, क्योंकि जो छोटे बच्चों का हॉस्टल है वो एक साइड में है भाई, और जो बड़े बच्चों का हॉस्टल है वो दूसरी साइड में है। और ये मैस आ गई भाई जो खाने पीने वाला है। और भाई पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी साफ़ सफाई है भाई, और पार्क पूर्क है, स्विमिंग पूल है, मतलब वो जो क्लिप थी भाई दूसरी साइड जाने का टाइम नहीं लग पाया इसलिए वो क्लिप नहीं बन पाई, तो दोबारा चक्कर लगेगा फिर आपको दिखाएंगे भाई। काफ़ी दिन में गए हैं बच्चे भाई, एक बारी तो थोड़ा मोटा जब घर सजा में मन में फील करे ही है बच्चा, तो ऐसे स्टार्टिंग में फ़ोन करते रहेंगे भाई एक एक दिन छोड़ के, उसके बाद बच्चे का मन लग जाए तो भाई चलो फिर हफ्ते के बाद या 4-5 दिन के बाद फ़ोन किया जा सकता है। और ये आ गया भाई दुर्गेश और खुशप्रीत का हॉस्टल जो आप सामने देख रहे हो। तो आज का ब्लॉग भाई यहीं करते हैं समाप्त, और बच्चों को भाई स्कूल में छोड़ आए थे हॉस्टल के बाद सामान रखने के बाद। और अच्छा स्कूल है भाई, अगर किसी भी भाई को एडमिशन भी करवाना हो तो बहुत बढ़िया है। हम भी भाई बहुत फिरे पहले कई स्कूलों में जाके आए तो कोई फिट नहीं बैठा, तो इधर का पता लगा भाई इधर अच्छा सिस्टम है, तो सारा कुछ देख के भाई बच्चों का एडमिशन इधर करवा दिया। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी भाइयों को राम राम।